नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। मोदी जी के परिवार के तमाम लोग मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके परिवार के कुछ भोजपुरी सदस्यों का असली चेहरा सबको दिखा रही हूं। लोग अब ये देखना शुरू कर चुके हैं कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले ये लोग ही बेटियों की सुरक्षा के लिए असली चुनौती रहे हैं। ऐसे फूहड़ और इतने गंदे गंदे गीत इन्होंने गाए हैं कि ये खुद अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पेट में सीएनजी, इनका चोली में मोबाइल, अरे लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल, ये इनके गाने हैं। अगली लाइन जिस पे मुझे खुद आपत्ति है, क्यों मैं बता देती हूँ। एक गाना है इनका, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा कहनी की गौवे में नौवा, जो भोजपुरी समझते होंगे वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा कहनी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। मनोज तिवारी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप भी मोहनिया के हैं, मैं भी मोहनिया से ही हूँ, हम दोनों का जिला भभुआ ही है। मेरी मम्मी ने सच में मुझे बाहर जाने का अवसर सिर्फ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनको हमेशा ये लगता रहा कि बाहर जाओगी तो तुम्हें शहर का हवा लग जाएगा। हमारे यहाँ से बनारस काफी नजदीक है, मुझे कभी नहीं जाने दिया गया। मैं हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहती थी पर मेरी मम्मी नहीं जाने दी क्योंकि उसको लगता था कि मैं शहर जाऊंगी, मुझे शहर का हवा लग जाएगा और मैं बिगड़ जाऊंगी। मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके इस गीत की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शिक्षा बाधित हुई, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो अलग बात है कि मैं तो थोड़ी लड़ाकू लड़की थी तो मैं लड़ झगड़ के नहीं मैं ये करूंगी। जिन लड़कियों ने संघर्ष नहीं किया या नहीं कर पाई, वो हार गई, वो आज भी घर गृहस्थी में चूल्हा चौकी में अपना जीवन बिता रही है। कितनी लड़कियों के अपने अवसर खत्म कर दिए, आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? आप कितना भी उठक बैठक कर लीजिए, कान पकड़ करके माफी मांग लीजिए, लेकिन आपके पाप खत्म नहीं होंगे क्योंकि जिन लड़कियों के आपने अवसर खत्म किए हैं वो अब कहीं चूल्हे चौके में ही अपना जीवन बिता रही हैं। वो बहुत कुछ कर सकती थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, वो इंजीनियर बन सकती थी, वो पार्लियामेंट जा सकती थी, वो नहीं जा पाई। इसकी भरपाई कर पाएंगे आप? सिर्फ यही गाने नहीं है, कुछ गाने और मैंने लिस्ट किए हुए हैं। आप लोग भी समझिए कि भोजपुरी में ये जो धुरंधर लोग आज संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे इनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे कैसे इनके गीत रहे हैं। ए डबल चोटी वाली तोहके टांग ले जाइम हो, लड़की ही या हाई वोल्टेज वाली करेंट मारे ले, लगाई नहीं चोलिया के हुक राजा जी, और ओही रे जगहिया दांते काट लिहले राजा जी, टाइप गाना। एक और गीत है, बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली। मुझे याद है हम रामगढ़ पढ़ने जाते थे, साइकिल से जाते थे और एक पुल आता है भरीगावा पुल करके, वहां पे चार पांच लफंगे हमेशा बैठे रहते थे। हम तीन सखियां जाते थे, मैं और मेरी और दो दोस्त, और ये गीत हमेशा वहां पे बैठ करके वो लड़के गाते रहते थे, हमें छेड़ते रहते थे। तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? हम लोग कभी अपने घर पे नहीं कह पाए, बस इसलिए कि मम्मी पापा को बता देंगे तो कल से जो ये स्कूल जा रहे हैं ये भी जाना बंद हो जाएगा। आप इसकी भरपाई कर पाएंगे? मेरे सवाल जारी रहेंगे और मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे।